हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माहेश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास नाइन्थ का चैप्टर नाइन जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवर्ड प्रोसेसर और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्टिंग अ टेबल एक टेबल को इंसर्ट करना एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं हम सीखने वाले हैं एंड साथ में हम जानेंगे एंटरिंग अ डेटा एंड नेविगेटिंग इन अ टेबल डेटा को कैसे टेबल में एंटर करना है और टेबल में किस तरह से नेविगेट करना है वो सब भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन सो चलिए जानते हैं इंसर्टिंग अ टेबल एक टेबल को इंसर्ट करना अ टेबल इज यूज टू ऑर्गेनाइज एज वेल एज टू कैटेगराइज द कंटेंट्स एक टेबल का यूज कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने और साथ ही साथ कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है टेबल्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्टिंग पेज लेआउट। टेबल एक इंटरेस्टिंग पेज लेआउट को क्रिएट करने के लिए भी बहुत यूजफुल होती हैं शोइंग कॉलम ऑफ टैक्स अलोंग साइड द कॉलम ऑफ ग्राफिक्स और ये जो इंटरेस्टिंग पेज लेआउट होता है इसमें हम क्या दिखा सकते हैं इसमें हम ग्राफिक्स के कॉलम और साथ ही साथ टैक्स के कॉलम भी दिखा सकते हैं एम एस वर्ड you यू टू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट इन टू वेज एम एस वर्ड आपको दो तरीके से डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने की अनुमति देता है यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स एंड यूजिंग द इंसर्ट टेबल ग्रिड फर्स्ट है कि आप इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल ग्रिड का यूज करके भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं सो so फर्स्टली हम जानते हैं स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज करके कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं ये स्टेप समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप है प्लेस इन द कर्सर एट द रिक्वायर्ड पोजिशन इन द डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें वही काम करना है जो हम इस चैप्टर में करते आ रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में उस प्रॉपर प्लेस पर कर्सर को प्लेस करना है जहां पर हमें अपनी टेबल को इंसर्ट करना है मीन रिक्वायर्ड पोजिशन पर हमें कर्सर को प्लेस कर देना है एंड सेकेंड है क्लिक क्लिक ऑन द इंसर्ट इंसर्ट टैब टैब अब हमें पर क्लिक करना होता है इन द टेबल ग्रुप क्लिक ऑन द टेबल 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 बटन बटन देन इंसर्ट टैब में जो ग्रुप होता है उसमें हमें पर क्लिक करना होता है जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू विल ओपन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा एंड थर्ड स्टेप में फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन अब आपको उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से इंसर्ट टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन और जैसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है देन फोर्थ स्टेप है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल इन द नंबर ऑफ कॉलम्स बॉक्स एंड द नंबर ऑफ रोज इन द नंबर्स ऑफ रोज बॉक्स अब हमें कॉलम और रो जो इंसर्ट करनी है उसके लिए हमें एक नंबर स्पेसिफाई करना होगा दोनों ही बॉक्सेस में नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स में भी और नंबर ऑफ रो बॉक्स में भी देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि टेबल साइज में आपका लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज तो इन बॉक्सेज में हमें स्पेसीफाई करना होगा नंबर कि, कि कितने हमें कॉलम्स चाहिए और कितनी हमें रोज़ चाहिए है. देन क्लिक ऑन द ओके बटन और इसे सेट करने के बाद हमें ओके okay बटन पर यहाँ क्लिक कर देना होता है इस तरह से हमारी टेबल इंसर्ट हो जाती है देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है अ टेबल विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज विल बी इंसर्टेड एट द कर्सर पोजीशन और जैसे ही आप उन आ, उसको ओके okay बटन को क्लिक करते हैं तो टेबल स्पेसिफाई नंबर जो भी हमने नंबर स्पेसिफाई किए हैं कॉलम के भी और रो के भी उनके साथ कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगी देखिए यहाँ पर दिखाई भी गई है दिस इज द कॉलम्स एंड रोज़ यहां पर uh, कितने कॉलम्स लिए गए थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम्स लिए गए हैं टू रोज लिए हैं देखिए आप देख सकते हैं फाइव कॉलम्स एंड टू रोज आर द द स्पेसिफाई नंबर सिस्टम एंड देन दिफाई स्टेप है स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल ग्रिड अब इंसर्ट टेबल ग्रिड का यूज करके कैसे हम टेबल को इंसर्ट करेंगे वो स्टेप समझ लेते हैं यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट बायिंग ग्रिड गिवन इन द टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू आप इंसर्ट टेबल ग्रिड का यूज करके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि टेबल बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए हुए होते हैं द स्टेप्स आर एज फॉलोज इसके स्टेप्स जो हैं, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन द टेबल ड्रॉप डाउन मैन्यू बाई क्लिकिंग ऑन टेबल बटन इन द इंसर्ट टैब सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब tab में टेबल बटन पर क्लिक करके ड्रॉपडाउन मैन्यू ओपन करना होता है जो टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उससे ओपन करना होता है देन सेकेंड स्टेप है अ टेबल ग्रेड विल डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ड्रॉप डाउन मैन्यू जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो टेबल ग्रेड ऑटोमेटिकली ड्रॉपडाउन मैन्यू के टॉप तो पर डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि वहीं पर वो डिस्प्ले होनी है बिकॉज जैसे ही आप टेबल ड्रॉप डाउन मैन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है इस तरह से टेबल ग्रिड ओपन हो जाएगी डिस्प्ले हो जाएगी हियर यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज बाय होवरिंग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड एंड सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द टेबल अब देखिए उसमें तो हमने नंबरिंग स्पेसिफाई uh, किया था नंबरिंग को कि इतने नंबर के कॉलम चाहिए इतने हमें रोज़ uh, चाहिए बट इसमें क्या करना होता है इसमें हमें माउस पॉइंटर को उस ग्रिड के ऊपर होवर करना होता है मीन्स घुमाना होता है जितने भी हमें रोज uh, चाहिए और जितने कॉलम चाहिए उसके ऊपर हमें घुमाना होता है माउस को एंड सेलेक्टिंग नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द टेबल और टेबल में जितने भी कॉलम एंड रोज चाहिए उनके नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं हम ये देखिए यहाँ पर कुछ दिखाया भी गया बुक में कि जिन्हें ओवर किया गया तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम्स लिए गए एंड टू रोज ली गई हैं तो उनको हम माउस ओवर से इस तरह से घुमाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे देन सेलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स विल गेट हाईलाइटेड और जैसे ही वो सेलेक्ट होंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे कॉलम भी और रोज भी जैसे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ आप अपनी बुक में देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट हुए दिखाए गए हैं थर्ड स्टेप क्लिक द माउस बटन अब हमें माउस बटन पर क्लिक करना होता है द टेबल विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम विल बी इंसर्टेड और जैसे ही आप माउस बटन को क्लिक करते हैं तो टेबल स्पेसिफाइड नंबर जितने भी आपने नंबर रोज के और कॉलम के लिए है सेलेक्ट किए हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे अब बात आती है कि एंटरिंग डेटा एंड नेविगेशन इन टेबल एक टेबल में डेटा को एंटर कैसे करना है नेविगेट कैसे करना है कि यदि हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाना है या फर्स्ट रो से सेकेंड रो में जाना है तो वो कैसे नेविगेट करेंगे वो समझ लेते हैं द स्टेप्स टू एंटर डेटा एंड मूव अराउंड इन अ टेबल आर एस फॉलोज डेटा को एंटर करने और अराउंड टेबल में कहीं भी घूमने के लिए मूव करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप है यू कैन एंटर द रिक्वायर्ड डेटा इन द सेल्स ऑफ अ टेबल बाय सिंपली क्लिकिंग इन द सेल एंड देन टाइपिंग द डेटा इन इट आप एक रिक्वायर्ड डेटा जो भी आप डेटा उस सेल में या टेबल में इंसर्ट कराना चाहते हैं उसके लिए आपको सिंपली सेल में क्लिक करना होता है और डेटा को सिंपली टाइप करना होता है जैसे कि आप सिंपली एमएस वर्ड में टाइप करते हैं इसी तरह से डॉक्यूमेंट में टाइप करने की तरह ही बस आपको सेल के अंदर क्लिक करना होता है और वहां पर आपका रिक्वायर्ड डाटा एंटर हो जाता है ये यह देखिए यहां पर जैसे सेल दिखाए गए हैं दीज आर द सेल दिस इज फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल फिफ्थ सेल सिक्स सेवंथ एट्थ ये डिफरेंट डिफरेंट इनको जो अलग अलग बॉक्सेस बन जाते हैं इनको सेल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स एंड दीज आर द कॉलम्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम एंड दीज आर द रोज फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो सो इस तरह से इनको जो टेबल हम बनाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं रो कॉलम एंड सेल्स सो हमें किसी भी सेल पर सिंपली क्लिक करना होता है और उसमें टाइप करना होता है डाटा को टैक्स जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो टैक्स अपने आप ही सेल में रैप हो जाता है मीन्स रैप कैसे हो जाता है कि जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेल है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा विल एक्सपेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू फिट इन द टैक्स मीन्स जैसे जैसे आप उसमें लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके टैक्स को एडजस्ट करता चला जाएगा है यदि आप पर पर जाना चाहते चाहते हैं means this cell से, this one cell पर आना हैं से आना यानी इस cell से इस वाले सेल में जाना चाहते हैं तो आपको की का यूज करना होगा की आपको नेक्स्ट सेल पर ले जाती है वेन यू रीज द लास्ट सेल एंड अ न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड यदि आप लास्ट सेल पर है और वहां पर जाकर आप लास्ट सेल पर जाकर टैप की प्रेस करते हैं तो आप एक नई रो इंसर्ट कर देते हैं ये सपोज दैट आप इस वाले सेल पर है इस टेबल के इस वाले सेल पर है, सेल पर है दिस लास्ट सेल दिस टेबल, और जैसे ही आप टैप करेंगे तो नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगी वन बाय वन सेल आता चला जाएगा और आपकी रो बन जाएगी सो so, इस तरह से आप एक नई रो एंटर कराने के लिए ब्लैंक रो एंटर कराने के लिए टैप की का यूज कर सकते हैं थर्ड स्टेप है टू मूव बैक टू द प्रीवियस सेल प्रेस द शिफ्ट टैप की यदि आप पीछे छह के सेल के पर मूव करना चाहते हैं मींस बैक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस टैब की का यूज करना होगा देन फोर्थ स्टेप है इफ यू वांट टू डिलीट द डाटा यूज द बैक स्पेस की और यू कैन सेलेक्ट द सेल कंटेंट एंड क्लियर देम बाय प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड यदि आप जो आपने डाटा टाइप किया है अपने सेल्स में या टेबल में उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप या तो उसे बैक स्पेस की से डिलीट कर सकते हैं मींस आप सेल में क्लिक करके उसे बैक स्पेस कर दीजिए अदरवाइज आप सारे के सारे कंटेंट को जो सेल का कंटेंट है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करके आप क्लियर कर सकते हैं सो so ये भी तरीका है दोनों ही तरीके हैं बैक स्पेस से भी और डिलीट की से भी आप डिलीट कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं मैं आपको एम वर्ड में लेकर चलती हूँ सो so यहाँ पर हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है एंड यहाँ से हम अब इंसर्ट करेंगे इंसर्ट टैब में जाएंगे दिस इज इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे फर्स्टली इस पर एंड यहां आप देखेंगे टेबल ग्रुप में टेबल आ रही है और यहां ये ड्रॉप डाउन एरो है ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि यहां पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है फर्स्टली हम सीखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं टेबल को इंसर्ट तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे सो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा थोड़ा जून कर लेते हैं बट इसका जूम तो नहीं हो पाएगा सो so अभी हम यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे सेवन एंड यहां रोज में लिख देते हैं फाइव सो so अब हमारे सामने सेवन कॉलम्स आ जाएंगे एंड फाइव रोज आ जाएंगी तो हम इसे ओके okay करते हैं और जैसे हम ओके okay करते हैं तो आप देखिए अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूं यहां पर हमारे सेवन कॉलम्स आ चुके हैं हम इन्हें काउंट कर लेते हैं एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कॉलम्स हैं एंड वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रोज आ चुकी हैं अब देखिए यदि हमें इसमें कंटेंट लिखना है तो हम यहां से कंटेंट लिख सकते हैं अभी मैं यहां पर कंटेंट लिखती हूं सीरियल नंबर सीरियल नंबर एंड नेम मदर नेम देखिए अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है सो so, देखिए इस तरह से हम डेटा एंटर कर सकते हैं एंड देन यदि हम लास्ट सेल पर जाते हैं टैप का यूज करके सो टैप का यूज कर रही हूं मैं अभी की से एंड देखिए एवरी सेल में जाता जा रहा है पास करता जा रहा है एंड देन जैसे ही ये लास्ट सेल पर आएगा अब मैं जैसे ही लास्ट सेल पर क्लिक करूंगी और टैप प्रेस करूंगी तो देखिए इसने नेक्स्ट रो एंटर करा दी है यदि एक और रो एंटर करानी है तो आप टैप यूज करेंगे और देखिए यहाँ पर एंटर हो जाएगी सो इस तरह से आप एक टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन के द्वारा सेकंड मेथड सीखते हैं किस तरह से हम टेबल्स को ग्रिड के द्वारा इंसर्ट करा सकते हैं सो so, उसके लिए हमें अगेन इंसर्ट पर जाना होगा देन टेबल ग्रुप एंड टेबल ग्रुप में टेबल की डाउन एरो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसर्ट टेबल ग्रिड आ रही है और इस ग्रिड में आप ऊपर देख पाएंगे जैसे ही मैं लेती हूँ तो टू तो बाय वन एंड थ्री बाई वन एंड थ्री बाई टू इस तरह से टेबल की ग्रिड आ रही है और ये सिलेक्शन भी दिखा रहा है हाईलाइट करके दिखा रहा है कि आपने इतने सेल्स यानी इतने कॉलम्स और इतनी रोज सेलेक्ट कर ली हैं यदि आप सिंगल सेल लेना चाहते हैं तो सिंगल सेल यानी सिंगल रो भी आ जाएगी आपकी एंड उसमें कॉलम्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम्स ले सकते हैं मैंने यहाँ पर फाइव कॉलम्स एंड फाइव ही रोज ली हैं ये देखिए टू टू फोर वन फाइव एंड फाइव रोज़ ले ली हैं ये फाइव रोज़ हो गई हमारी नाउ अब हम यहाँ पर इसी जगह पर होवर हमने माउस को किया था तो यहीं पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये यह इंसर्ट हो जाएगी सो so, इस तरह से हम इंसर्ट टेबल ग्रिड का यूज करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं साथ के साथ इसमें वही तरीका हम की का यूज करके जो टैप की हमारी शॉर्ट की है उसका यूज करके हम नेक्स्ट रो भी इसमें उसी तरह से ले सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट सेल पर क्लिक किया एंड देन टैप करेंगे तो हमारी नेक्स्ट रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी डेटा को एंटर करने का तरीका भी सेम ही है हम इसमें कुछ भी लिख सकते है बस हमें उस सेल में क्लिक करना होगा जहां भी हमें लिखना है जैसे कि यदि नेम में लिखना है नेम में हमने लिखा अनु एंड ऋषि एंड यदि हम नेक्स्ट कॉलम तैयार करते हैं तो उसमें भी हमें एवरी सेल में आपको इसी तरह से लिखना होता है आपको लिखने के लिए सिर्फ उस सेल में क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं आप जो भी चेंज करना चाहते हैं सपोज आपको अनु के नेम में कुछ चेंजिंग करना है तो आपको सिंपली उस सेल में क्लिक करना होगा और उसे बैक स्पेज देना होगा बैक स्पेज देकर आप नेम चेंज कर सकते हैं जैसे कि यदि आप लिखना चाहते हैं अनुश्री तो आप अनुश्री लिख सकते हैं एंड यदि आप पूरा का पूरा ही डिलीट करना चाहते हैं तो पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करें जो सेल का कंटेंट है उसके बाद आप इसे डिलीट से डिलीट कर सकते हैं तो मैं यहां पर डिलीट की प्रेस कर रही हूं कि से और देखिए इस तरह से हमने यहां से डिलीट कर दिया कंटेंट को यदि सारा कंटेंट डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे जितने भी सेल्स का कंटेंट डिलीट करना है देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड देन डिलीट प्रेस करेंगे और यहां से डिलीट हो जाएगा बैक स्पेस और डिलीट दोनों की का हम यूज इसमें कर सकते हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट बी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय